सो ही हेलो नमस्ते इस जगह राधे राधे राम राम नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स कैसे आप सब ठीक हो ना आई हो कि आप सब ठीक होंगे गाइस आप लोगों ने तो देखा था अमीरा एंड अनोखी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या अमीरा जो होती है वो अनोखी को मैसेज करते हैं कहते जाना है ना मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही बस कुछ दिन और एक बार मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाए मैं फ्री हो जाऊँगी फिर बस आम और मैं अनोखी कहती हाँ जी मैडम आपके एग्जाम इसलिए आपको आज़ादी दी है एक बार एग्जाम खत्म हो जाए ना मैडम एक सेकेंड के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी अभी लगे थे अच्छा और मैंने एग्ज़ाम के बाद भी टाइम ना दिया तो क्या कर लोगे आप अनोखी कहती अच्छा जी क्या करूँगी घर घुसाऊँगी समझी ना अभी लोग ओ अच्छा जी सात समुंदर पार है याद है कि भूल गई सात समुंदर पार आ पाओगी अनोखी बोती देखो चैलेंज मत करो मैं आ भी जाऊँगी अभी बोती अब तो चैलेंज करूँगी आ जाओ यार अब तो मेरा भी मन करता है आपसे मिलने को तो अनोखी ये मैं पढ़ के बहुत हंसती है कहती सच में आ जाऊँ अभी कहती हाँ आ जाओ तो अनोखी बहुत स्माइल करती है फिर मैसेज करती है कहती अच्छा अच्छा बहुत की बात है चलो पढ़ाई कर लो फ्रेंड्स वेट करिए ना अभी कहती हाँ ठीक है तो अभी मोबाइल साइड पर रखती है और पढ़ने लग जाती है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है लेकिन पढ़ते टाइम बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा होता है कि जल्दी से एग्जाम्स खत्म हो जाए मैं अनोखी के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ इन सब चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अच्छे से पढ़ाई भी कर लेती है पढ़ते पढ़ते फिर से बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यार मेरा ना भाई मुझे लेने आ रहा है मैं चलती हूँ तो कहती है अच्छा ठीक है तू एक काम कर तू चली जा तो दूसरी फ्रेंड कहती है यार मुझे भी जाना है तो वीरा कहती तुझे भी जाना है तो कहती तू रुक जाओ कहती नहीं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तुझे तो पता ही है तो वीरा बोलती चलो ठीक है तुम दोनों चले जाना तो उसके बाद उन्हें लेने आ जाते हैं वो दोनों ही अपने घर चले जाते हैं और वीरा फ्री हो जाती है वो लेट जाती है अनोखी के बारे में सोचने लगती है वो जैसे ही लेटती है आँखें बंद करती है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे अनोखी उसके पास है वीरा को बहुत अच्छा लगता है वो ऐसे पिलो को हक करती है और ऐसे इमेजिन करती है कि जैसे वो पिलो ना हो वो अनोखी हो और ऐसे इमेजिन करते करते वीरा जो है पिलो को किस कर लेती है तभी उसकी आप ही रूम में आती है कहती है तुम क्या कर रही हो पिलो के साथ वीरा एकदम आँखें खोलती है डर के मारे वो पिलो को दूर फेंक देती है कहते क्या कुछ भी नहीं कर रही उसके आगे कहती तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ गई वीरा कहती वो तो सब घर चले गए उसके आगे कहती चलो अच्छा ही है तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो तो ऐसे बोल के उसके आप ही बेड पे आके लेट जाती है कहती शीट आप ही यहीं पे मैं अनोखी से बात कैसे करूँगी तब वीरा कहती यार बैठ बैठ के थक गई हूँ मैं नीचे जा रही हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए टहलने के लिए उसके आप कहते मैं भी आऊँगी वीरा कहती क्या मुसीबत है आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रही वीरा तो जा रही थी नीचे अनोखी से बात करने के लिए लेकिन अब तो आप ही भी साथ है इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाती है कि मैं अनोखी से कैसे बात करूँगी अपना हैंड फ्रेम वगैरह मोबाइल में लगा देती है कान में लगाती है नीचे आ जाती है थोड़ा सा चलती है देखती है कि आप ही बहुत मतलब टहल रही है तो कहती आप टहलो मैं थोड़ा थक गई हूँ मैं रेस्ट करने जा रही हूँ उसके बाद कहते मैं भी बहुत थक गई हूँ मैं भी रूम में चलती हूँ तेरे साथ ही फिर कहते क्या यार जहाँ जा रही हूँ मेरे साथ चुम्बे की तरह चिपक रहे हो क्या हो गया नज़र रख रहे हो उसके बाद कहते नहीं यार मैं थक गई हूँ इसीलिए अभी कहती चलो ठीक है आप जाओ मैं थोड़ी देर और वॉक करती हूँ उसके बाद कहती अभी तो तुम थक गई थी अभी कहती हाँ अब मैंने प्लान चेंज कर दिया थोड़ा वॉक करती हूँ उसके बाद कहती चलो ठीक है मैं तो जा रही हूँ रूम में तो उसके आप रूम में आ जाती है अभी कहती थैंक गॉड मुझे कुछ टाइम तो मिला तो वो फ़ौरन से अनोखी को कॉल कर देती है अनोखी कॉल नहीं उठा रही होती है बेटा तीन चार दफ़ा कॉल करती है जब अनोखी कॉल नहीं उठा रही थी तो बेटा थोड़ा सैड हो जाती है वो एक वॉइस मैसेज करती है कहती यार पहले आप ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी अब मैं फ्री हूँ फाइनली तो चाहे आपसे बात करूँगी तब आप कॉल नहीं उठा रही ये भी सही है चलो मैं भी फिर रूम में जाती हूँ तो बीरा ऐसे वॉइस मैसेज छोड़ के ना वापस रूम में चले जाते उसके आप कहती आ भी गई तुम इतनी जल्दी बीरा कहती हाँ बस मैं भी थक गई थी ना तो बीरा ऐसे आके लेट जाती है तो उसके आप से कहती इस बार तुम बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रही हो अच्छे मार्क्स लाना चाहिए समझी ना बीरा कहती पढ़ाई तो अच्छे से कर रही हूँ देखो अब एग्ज़ाम में क्या हुआ तो उसके आप कहती चलो तुम थोड़ी देर सो जाओ अभी कहती नींद आ ही ना चाहिए उसके बगैर इसके अभी कहती क्या मतलब किसके बगैर अभी कहती अरे मेरा मतलब दिमाग में टेंशन है ना एग्ज़ाम की जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं होते स्कूल की नींद कहाँ आएगी तो उसके आप कहती इतनी टेंशन में मतलब तुम अच्छे स्टूडेंट हो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे सो जाओ अभी कहती हाँ ठीक है तो जैसे अभी देखते हो उसके आप ने आँखें बंद कर लिया अभी फ़ौरन से कॉल मिला देती है और अनोखी फिर से कॉल नहीं उठाती तो बीरा सैड हो जाती है कहती यार लड़की कॉल क्यों नहीं उठा रही तो बीरा नीचे आ जाती है उसे हल्की हल्की भूख लगने लगती है रात के तकरीबन 11-12 बजे का टाइम होता है कहती यार इस टाइम भूख क्यों लग रही है चलो कुछ खा ही लेती हो तो वो किचन में जाती है देखती है कुछ खाने को तो कुछ खाने का पड़ा होता है हल्का फुल्का तो वो खाती है और इतनी देर में अनोखी की कॉल आ जाती है बीरा कॉल रिसीव करती है कॉल रिसीव करते ही सुनाने लग जाती है कहती कहाँ थी आप हाँ कब से कॉल करी हूँ अनोखी कहती सो रही हूँ मेरी आँख लग गई थी बीरा कहती बहुत इतनी जल्दी हाँ मेरे बगैर सो कैसे लेती हो यार मुझे तो आपके बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती मैंने सही बोला था सिर्फ मुझे ही आपकी आदत आपको मेरी आदत अभी तक नहीं लगी ना अनोखी कहती यार मेरी आदत है जल्दी सोने की मुझे नींद आ जाती है बीरा कहती सच से बताओ सच में सो जाती हो या फिर
अनोखी बधी शक कर रही हो? अमीर कहते नहीं मैं जस्ट पूछ रू। अनोखी बधी चलो ठीक है जो सोचना सोचो बाय। तो अनोखी को बुरा लग जाता है बीरा का क्वेश्चन, वो कॉल कट कर देते। बीरा कहते हद यार मैंने तो बस इसे नॉर्मली पूछा था। तो बीरा फिर कॉल करते लेकिन अनोखी नहीं उठाती। बीरा एक वॉइस मैसेज करती है, देखिए कहती है देखो मैं पहले बहुत डिस्टर्ब हूँ प्लीज़ यार, ठीक है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ इतनी जल्दी कैसे सो सकती है यार, कोई ठीक है आई एम सॉरी कॉल बैक करो मैं वेट कर रही हूँ। तो अनोखी के अंदर ईगो एटीट्यूड जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो मैसेज तो सुन लेती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करती। अभी रहा बोती हद है यार ये लड़की ने इसका एटीट्यूड कभी ख़त्म नहीं होगा, समझती क्या खुद को, ठीक है मैं भी नहीं इस बारे से मनाऊंगी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है और वैसे भी हर बार मैं ही मनाऊँ, हद है यार चीप लड़की छोटी छोटी बात भी कौन मुँह सुझा लेता है। तो अभी रहा रूम में चली जाती है, वो कहती है इस बार जो मर्जी हो जाए मैं बिल्कुल नहीं मनाऊँगी। अभी रहा भी गुस्से में होती है, वहाँ अनोखी भी गुस्से में होती है। आई नो इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती बट दोनों ही ईगो में आ चुके होते हैं ना, वो सॉरी बोलने को तैयार होती है और ना ही। और वहाँ अनोखी गुस्से में कहती है किसके काम देखो मुझ पर शक कर रही है, हाँ हद है ऐसे किसे बोल सकती है यार, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं कितना ट्रस्ट करती हूँ, टाइम देती हूँ, स्पेस देती हूँ इन्हें, और इनको देखो अगर मैं सो भी गई तो क्या गलत बात है यार, हाँ ठीक है आदत है मुझे जल्दी सोने की, अब एक ही दिन में आदत थोड़ी बदल सकती है, इन्हें भी तो आदत है मेरे साथ सोने की, सो सकती है मेरे बगैर नहीं ना, इस पर मैं सॉरी नहीं करने वाली। अनोखी भी बहुत गुस्से में आ जाती है, अभी अपने रूम में जाती है और कहती है कि कंट्रोल अभी कंट्रोल। तो तभी अभी रखिए आप ही उठ जाती है, कहती क्या हुआ तुम्हें बाल में तेरे चिल्ला क्यों रही हो? अभी रखती नहीं कुछ नहीं आप सो जाओ, उसके आप कहती है ओके कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। यू आई नो तुम स्टडी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हो बट इतने सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, ओके आई नो तुम एक गुड स्टूडेंट हो। हम भी लगी थी जी आप ही आप सो जाओ, मैं बस सोने लगी हूँ। तो उसके आप कहती हाँ ठीक है, तो उसके आप ही सो जाती है और अभी अभी अपनी आँखें बंद कर लेती है, लेकिन वो आँखें तो बंद करती है, उसे स्कूल नहीं आता, उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी होने लगती है, वो कभी इधर कर पर बदलती है तो कभी उधर, और आखिरकार वो उठ बैठती होती थी ये मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मैं भी ना मुझे पता है मुझे नींद नहीं आएगी अनोखी के बाद, ठीक है इस बार मैं उन्हें खुद से कॉल नहीं करूँगा, उन्हें उन्हें भी तो पता है ना मुझे उनके बगैर नींद नहीं आती, देखती हूँ ना मुझे मेरी कितनी परवाह है कितनी फिक्र है उन्हें मेरी। तो ऐसे बोल के अभी ना मोबाइल अनलॉक करती है, वीडियोज़ खोलने लग जाती है, देखते देखते रात के 2 बजे आते हैं, अभी रह की आंखों में पेन होने लगता है, वीडियो देखते देखते उसकी आंखें थक चुकी होती हैं लेकिन नींद उसे बिल्कुल नहीं आ रही होती, वो मोबाइल साइड पर रख देती है कि क्या मुसीबत है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तो बीरा कहती है कि इसके काम देखो यार, अच्छे से पता है मुझे उनके बगैर नींद नहीं आती फिर भी कॉल नहीं करेगी, ठीक है मैं भी नहीं करूँगी, समझती क्या है खुद को, सारे ईगो इन्हीं के अंदर है, मेरे अंदर भी बहुत ईगो है, ईगो दिखाने पे आओ ना फिर इन्हें पता चले। वो बीरा बहुत ही ज़्यादा शाउट करने लगती है और वहाँ अनोखी का भी यही हाल होता है, वो भी गुस्से में मोबाइल हाथ पे पकड़ के बैठी होती है, वो वेट कर रही होती है कि अबीरा पहले मैसेज करे और यहाँ अबीरा वेट कर रही होती है कि पहले अनोखी करे, इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है और सुबह अबीरा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, नींद के मारे उसकी आंखें एकदम सूजी सूजी होती हैं, उसकी आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो चुका होता है लेकिन नींद का नामो निशान नहीं होता। अब बेचारी अबीरा जी मरे क्या करे, आखिरकार उसे कॉल करनी ही पड़ती है, जैसे ही वो अनोखी को कॉल करती है अनोखी तुरंत कॉल उठाती है, अबीरा कहती है कि मोबाइल हाथ में रखा हुआ था क्या, अनोखी कहती हाँ वेट कर रही थी कब कॉल करोगी, अबीरा कहती अच्छे से पता है मुझे नींद नहीं आती फिर भी कॉल नहीं किया, अनोखी बती मैं क्यों कॉल करूँ, हाँ अबीरा बती मतलब मैं कॉल करूँगी तो बात करोगी वरना नहीं करोगी, अनोखी बती हाँ नहीं करूँगी, अबीरा बती ठीक है मुझे लगा शायद पर मैं गलत थी बाय अब मैं आपको कॉल नहीं करूँगी। तो अबीरा कॉल कट कर देती है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है अनोखी की बात कि हाँ मैं कभी खुद से कॉल नहीं करती, तो मोबाइल साइड पर रख देती है कहती मर जाऊंगी लेकिन अब कॉल नहीं करूंगी। तो अबीरा भी बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाती है क्योंकि उसे अनोखी की बात हर्ट कर देती है और वो भी मोबाइल फेंक देती है, इसी तरह पूरा रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है, सुबह उसकी दी जो है वो भी उठ जाती है फ्रेश होती है और नीचे चली जाती है काम वगैरह करवाने के लिए, और अबीरा एकदम उठ के बैठ जाती है कहती नींद तो आई नहीं नहा लेती हूँ शायद फ्रेश फील हो, तब अबीरा ऐसे बोल के शावर लेने जाती है, वो सुबह सुबह शावर ले लेती है, उसके आप ही रूम में आती है कहती वाह तो सुबह सुबह शावर ले लिया, तो मैं तो सुबह सुबह शावर लेने में बहुत मौत पड़ती है तो फिर आज कैसे ले लिया, अबीरा कहती बस ऐसे ही फ्रेश होना था ना पढ़ाई जो करनी थी। तो उसके आप ही उसकी आंखों में देखती है कहती फिर से रात भर नहीं सोई तुम, कितनी दफ़ा बोला है पढ़ाई को इतनी स्ट्रेस मत लिया करो कितना पढ़ोगी पागल हो जाओगी एक दिन, अबीरा कहती मैं ठीक हूँ सो गई थी मैं, उसके आप कहती तुम्हारी आंखें तो मुझे कुछ और ही बता रही है, अबीरा कहती प्लीज़ यार आप ही पहले बहुत डिस्टर्ब हूँ, उसके आप कहती क्या बात है क्यों डिस्टर्ब हो बताओगी मुझे कुछ, अबीरा बोलती आप ही प्लीज़ यार प्लीज़ जाओ तंग नहीं करो मुझे पढ़ना है, तो अबीरा ऐसे बोल के बुक्स खोल के बैठ जाती है। तो उसके आप उसके हाथ से बुक्स खींच के साइड पर रखती है, कहती है अगर किसी बात को लेकर स्ट्रेस आउट हो तो मुझे बता सकती हो, बताना मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और इसी तरह परेशान होगी तो पढ़ाई भी नहीं होगी, पढ़ाई के लिए ना माइंड एकदम क्लियर चाहिए होता है फ्रेश चाहिए होता है, तुम बिल्कुल फ्रेश नहीं हो,
एक काम करो, थोड़ी देर और सो जाओ। अभी रख दी भाई, तो मुसीबत है, नींद ही तो नहीं आती मुझे। तो उसके आप कहते क्यों नहीं नींद आती यार, क्या हुआ है, कोई टेंशन है? अभी रख दी बस, पता नहीं, सारी रात ट्राई करती रही, मोबाइल भी नहीं यूज़ किया पर फिर भी नींद नहीं आई। तो उसके आप कहते आ जाओ मैं सुला देती हूँ तुम्हें। अभी रख दी आप ही, मुझे नींद नहीं आएगी। उसके आप कहती आओ तो सही। तो उसके आप ही बेड पर जाके लेट जाती है, ऐसे ही मोबाइल फैलाती है, क्या हो मेरे पास? तो भी ऐसे अपने आप ही को हक करके लेटी होती है। उसके आप ही बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती, कितनी रिलैक्स हो जाओ, जो परेशान है जो टेंशन है साइड पे रख दो, कह रही सांस लो और माइंड में बस एक बात रखो कि सोना है, सोगी तभी फ्रेश होगी, फ्रेश होगी तो पढ़ पाओगी, है ना। कबीरा के आप ही बहुत तरले कर दिया, अबीरा को सुलाने के उसे हक कर दिया, उसे लोरी भी सुनाती है, उसे स्टोरी सुनाती है ताकि अबीरा सो जाए। अबीरा की आँख में थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगती है और फाइनली काफ़ी देर मेहनत के बाद अबीरा की आप ही उसे सुलाई देती है, अबीरा को नींद आ जाती है। लेकिन जैसे उसके आप उठती है, अबीरा की आँख खुल जाती है, उसके आप ही कहती है यार अभी तो तुम्हें सुलाया था, तुम उठ भी गई। अबीरा कहती छोड़ो यार, उसके आप कहती मैं फिर से सुला दो। अबीरा कहती रहने दो, 3 घंटे मेहनत करोगे और 5 मिनट की नींद, उल्टा सर में दर्द हो जाता है, रहने दो, हो सके तो चाय बना के भेज देना प्लीज़, मेरे समय बहुत दर्द हो रहा है। उसके आप कहती चलो ठीक है। तो उसके आप ही नीचे जाती है, चाय बना रही होती है और कहती है कि इतनी सी उम्र में नींद ना आना तो बहुत गलत बात है, ऐसी क्या स्ट्रेस ले रही है, किस बात की टेंशन ले रही है जो उसे नींद नहीं आ रही। तो उसके आप ही बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि उससे बड़ी मैं हूँ, मुझे देखो घोड़े गधे बेच के सोती हूँ। तो उसके आप ही बहुत परेशान हो जाती है अबीरा को लेकर, कितनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी क्या टेंशन है जो उसे नींद नहीं आती। तो वो अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करती है, उसे अबीरा की सारी सिचुएशन बता दिया। तो डॉक्टर पहले यही कहते हैं कि यार इस एज में ना बच्चियाँ प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं, किसी से प्यार व्यार तो नहीं करती। तो अबीरा की आप ही हंसते हुए कहते अरे नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरी बहन बहुत मासूम है। वो कहती हाँ हाँ ऐसे ही होता है, एक बार चेक कर लो। तो अबीरा की आप ही थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है हाँ वैसे मोबाइल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, चलो ठीक है मैं कुछ करती हूँ, वैसे भी आजकल बहुत बदली बदली लगती है। कैसे बोल के अबीरा की आप ही कॉल कट कर देती है। वो चाय लेके अबीरा के पास आती कि थी लो चाय पियो, अबीरा कहती थैंक यू सो मच। तो अबीरा चाय पी रही होती है तभी उसके आप ही कहती है कि अबीरा तुम्हारा कॉल पैकेज है? अबीरा कहती हाँ क्यों क्या हुआ? तो अबीरा की आप ही कहती वो मेरा पैकेज खत्म हो गया, मुझे मेरे फ्रेंड को कॉल करनी थी, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकती हूँ? तो अबीरा बेध्यानी में अपना मोबाइल दे देती कहती हाँ लो ना। तो उसके आप ही मोबाइल लेके बाहर आ जाती है और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो किसी से बात करी है। जैसे रूम से थोड़ा दूर आती है मोबाइल खोलती है, मोबाइल की अच्छे से जो है वो तलाशी लेने लग जाती है, पूरी ऐप खोलती है, हर एक ऐप खोलती है, मैसेज वाली सारी चैट्स खोलती है, व्हाट्सएप पे जाती है, लेकिन वो मैसेंजर पे नहीं जाती क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं था कि अबीरा जो है वो मैसेंजर भी यूज़ करती होगी। वो व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम हर एक ऐप खोलती है, लेकिन कहती है यहाँ तो सब ठीक है, कॉल हिस्ट्री भी चेक करती है, वो सिम की कॉल हिस्ट्री चेक करती है बट मैसेंजर की नहीं, तो इसलिए उन्हें पता नहीं चलता। कहती सब ठीक ही तो है, लगता है वो स्टडी की टेंशन ले रही है, मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ, पता भी है वो छोटी है, वो मासूम है, वो ऐसी हरकतों में नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बोल के आप ही रूम में आ जाती, कहती लो ये तुम्हारा वाला भी रखती, बात हो गई? तो कहती हाँ हो गई। तो उसके बाद इसके आप ही कहते हैं कि बच्चा इतनी टेंशन मत लो, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमने तो अभी बहुत जिंदगी जीनी है, छोटी छोटी बात पर इस तरह टेंशन लोगी तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर दोगे। तो अबीरा कहती जी आप ही। तो उसके बाद उसके आप ही जो है वो दरवाज़ा खोलने के लिए चले जाते हैं क्योंकि सुबह के 7 बज चुके होते हैं और बेल आती है। वो जाती है, देखती है कि अबीरा की वही दोस्त आई थी जिसके घर तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अबीरा की आप ही से कहती है कैसी तबीयत अब तुम्हारी? कहती हाँ ठीक हूँ आप ही। तो कहती अच्छा सुनो। तो कहती जी आप ही बोलो। तो अबीरा की आप ही बोलती है कि अबीरा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मूड भी ठीक नहीं है, हो सके तो उसे थोड़ा खुश रखना आज। तो कहती ओके आप ही। तो उसके बाद अबीरा की वो दोस्त अंदर आ जाती है, कहती अबीरा क्या हुआ तुझे? अबीरा कहती क्या कुछ भी तो नहीं, आना आज इतनी जल्दी आ गई। कहती हाँ यार जल्दी आँख खुल गई थी, सो ही नहीं पाई दर्द की वजह से, तो सोचो उठी गई तो जल्दी आ जाती हूँ, पढ़ाई कर लेते, वैसे भी कल हमारा पहला एग्ज़ाम है यार। अबीरा कहती हाँ वो दूसरी तो नशे ही अभी तक नहीं उठी होगी, मैं उसे कॉल करके उठाती हूँ। तो अबीरा ऐसे बोल के उसे कॉल करती है। जब वो कॉल करती है तो वो कॉल हिस्ट्री में देखती है कि उसके आप ही ने तो किसी को कॉल ही नहीं की थी। अबीरा कहती शायद आप ही ने नंबर डायल कर दिया होगा। तो वो इतना ध्यान नहीं देती, वो अपनी दोस्त को कॉल मिलाती है, उसकी दोस्त कॉल उठाती, कहती क्या है सोने देना अबीरा, कहती उठ जा हम पढ़ाई करने लगे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं आई? कहती हम मतलब वो आ गई। कहती हाँ आ गए, पढ़ाई भी करी है तू भी पहुँच। कहती हाँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो कॉल कट कर देती है। उसके बाद अबीरा जो है वो मैसेंजर खोलने लगती है और कहती नहीं मैं नहीं खोलूँगी, मुझे पता है मैं ही उनके पीछे पागल हूँ, उन्हें तो मेरी परवाह तक नहीं होगी, एक मैसेज तक नहीं किया होगा। जिस लड़की को अपना एटीट्यूड इतना प्यारा हो ना, वो किसी और चीज़ से प्यार कर ही नहीं सकती, मैं शायद गलत सोच रही थी। तो अबीरा गहरी सांस भरती है, उसके आँख में आंसू आने लग जाते हैं। तभी उसकी दोस्त कहती है अरे अबीरा क्यों
क्या हो गया तुम्हें? तो मेरा कहती हाँ मैं ठीक हूँ। कहती लग तो नहीं रहा, कोई परेशानी है क्या? मेरा कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। कहती यार एग्जाम की इतनी टेंशन मत ले। मेरा कहती यार नहीं ले रही टेंशन, आप ही भी कब से ये कह रही है टेंशन मत लो। मैं नहीं ले रही यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल हूँ जो मैं टेंशन लूँगी, नहीं ले रही टेंशन। तो थोड़ी इरीटेट होने लगती है। तो अभी लगी फ्रेंड कहती है कि तबीयत मेरी ख़राब है, इरीटेट तू हो रही है। अभी लगती सॉरी यार तुझ पे चला दिया। तो कहती इट्स ओके, चलो नोट्स बनाए थे ना तुमने? अभी लगती हाँ बना लिया था। कहती मैं भी बना के आई अपने नोट्स, इकट्ठे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो इसके बाद ये लोग कल के पेपर की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद उनकी तीसरी दोस्त भी आ जाती है। जैसे वो आती है तो अभी लगी मम्मा तीनों के लिए खाना लगाती हैं, और ये तीनों जो है वो नीचे खाना खाने के लिए जाते हैं। अभी लगी जो फ्रेंड होती है ना, उसके बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो चेयर पे सीख से बैठ नहीं पा रही होती है। और अभी क्या भी नोट कर लेती है, वो पीछे से कुशन उठा के उसको पकड़ाती है। कहती है ये लोग, कहती आप ही इसलिए, कहती बैग पे रख लो। तो ऐसे बोल के उसके बैग पे खुद रख देती है। तो वो अभी क्या को बहुत प्यार से देखती है और मन ही मन में कहती है कि यार मैंने तो इन्हें बहुत खुश समझा था, बहुत ही एरोगेंट समझा था, बट ये तो बहुत अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। जो अपनी बहन के फ्रेंड का इतना ख्याल रखती हैं, वो भीरा का कितना ख्याल रखती होंगी ना। आई विश मेरी भी वो सिस्टर होती। ऐसे बोल के स्माइल करने लग जाती है। तो भीरा क्या भी कहती क्या हो गया, सब ठीक है? वो कहती हाँ थैंक यू सो मच। तो कहती इट्स ओके। तो उसके बाद ये इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद भीरा जो है वो अपनी मम्मा के साथ बर्तन रखवा रही होती है। तो उसके आपकी कहती मैं रखवा लूँगी, तुम जाओ पढ़ाई करो। भीरा कहती आप ही सुनो। तो उसके आपकी कहती हाँ बोलो। अभी रखती आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया था बट हिस्ट्री में तो कोई नंबर नहीं था, आपने डल किया क्या? तो भीरा की आप ही कहती हाँ वो मेरी आदत बन गई है, अक्सर मैं अपने फ्रेंड्स के मोबाइल से कॉल्स करती रहती हूँ ना दूसरे फ्रेंड को, तो नंबर डिलीट कर देती हूँ। तो वो कहती हाँ अच्छा ओके। तो उसके बाद भीरा ना अपने रूम में आ जाती है। रूम में आ जाए तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने मोबाइल पर पड़ती है। उसका दिल करता है कि एक बार मोबाइल उठाए, मैसेंजर खोले, शायद तो नोकी का कोई मैसेज आया होगा। लेकिन वो कहती है कि अगर मैसेज ना आया होगा तो मुझे बहुत सैड होंगी, मैं बहुत सैड होंगी, मेरा दिल टूट जाएगा, इससे अच्छा नहीं उठाती। तो ऐसे बोल के मोबाइल साइड पे पड़े रहने देती है और पढ़ाई करने लग जाती है। लोग काफ़ी देर तक पढ़ाई करते हैं। पढ़ते पढ़ते इन्हें शाम के 6 बज चुके होते हैं। अब सबको भूख भी बहुत लग रही होती है। तो ये सब फिर से भूख के मारे कह रहे होते हैं यार भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? अभी रखते मैं पता करती हूँ। अभी नीचे जा दिया। उसकी मामा कहती बेटा मैं तो तुम लोग का ही वेट कर रही थी, मैंने खाना लगा दिया, आ जाओ नीचे। तो ये लोग नीचे जाते हैं। इनका लंच 6 बजे होता है क्योंकि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। 6 बजे आते हैं नीचे, ये लंच करते हैं। उसके बाद उसकी मम्मा कहती है कि हो गया तुम लोग का? तो भी रखी हम हो गया। तो उसके आप होती तुम सभी तक बैठो, मैं तुम लोग के लिए चाय और एग बॉयल लेके आती हूँ। अभी रखी थी प्लीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके आप कहती क्या हो गया तुम्हें? तो एग बॉयल बहुत पसंद है। कहती हाँ मन नहीं है, सिर्फ चाय दे देना, सर में बहुत दर्द है। उसके आप कहती चलो ठीक है, कहीं मत जाओ, इधर ही बैठो, थोड़ी ब्रेक भी ले लो, इतना नहीं पढ़ते यार, पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के। तो भीरा की दूसरी फ्रेंड कहती हाँ हम तो थक गए, अब तो हमारी ब्रेक है 1 आवर की, उससे पहले हम नहीं पढ़ने जाएंगे। भीरा कहती पागल हो गया, चलो ऊपर पढ़ने चलो। तो भीरा जानबूझ के ना खुद को बिजी रख रही होती है ताकि उसे नोखे की याद ना आए, इसलिए वो ब्रेक नहीं लेना चाहती थी स्टडी से। लेकिन सब बहुत थक चुके होते हैं और भीरा की आप ही कहती है रहने दो तुम इधर बैठ रहे हो। तो भीरा भी बैठी रहती है। तब सारी फ्रेंड्स जो हैं वो बातें करने लग जाते हैं, लेकिन भीरा एकदम चुपचाप होती है। उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि क्या मैं सिर्फ ही प्यार करती हूँ, क्या सिर्फ मुझे अनोखी की फिक्र है? उसे बिल्कुल फिक्र नहीं, एटलीस्ट खुद से कॉल कर लेती, ये भी पता था मेरा एग्जाम है कल, सुला ही देती। लेकिन नहीं, शायद उससे मेरी फिक्र ही नहीं है, शायद मैं ही उसके प्यार में पागल हो जा रही हूँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा सोचती हूँ बट वो मेरे बारे में नहीं सोचती। वो प्यार ही क्या जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो यार? मैंने हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पर रखी है, कभी ईगो एटीट्यूड बीच में नहीं लाई मैं। और प्यार में ईगो एटीट्यूड की क्या वैल्यू होती है यार? प्यार तो ईगो एटीट्यूड सबसे बढ़ के होता है यार, प्यार में तो बादशाह भी झुक जाते हैं। लेकिन अनोखी नहीं झुकी, सही है क्या लल्ला जी? ऐसी लड़की से प्यार करवाना था जिसके लिए उससे प्यार से बढ़ के उसकी ईगो है, उसका एटीट्यूड है। आपको तो अच्छे से पता है मुझे एटीट्यूड वाले लोग नहीं पसंद, फिर भी मुझे एक ऐसी लड़की से प्यार करवाया जिसके अंदर एटीट्यूड भर भर के रखा हुआ है। तो मेरा बहुत सैड होती है। तभी उसके फ्रेंड उसके हाथ पे हाथ रखते हैं, कहते क्या हो गया है तुझे, कहीं खोई खोई लगी है, कोई परेशानी है तो बता ना हमें। अभीरा कहती नहीं कुछ नहीं। तो अभीरा की दूसरी फ्रेंड कहती है कि सच बता अनोखी से लड़ाई हुई क्या? तो अभीरा क्या आप उसी टाइम चाय और बॉइल्ड एग लेके आती है, कहती ये लो। और वो अनोखी लव सुन लेती है। वो कहती है कि अभीरा तुम्हारी ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसका नाम अनोखी है, तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। तो अभीरा कहती हाँ अभी वो बहुत पुरानी फ्रेंड है, एक्चुअली वो मेरे पुराने स्कूल से थी। तो उसके आप कहती ओ अच्छा, तो लड़ाई हुई है क्या उससे, इसलिए तुम सैड हो? अभी रखते नहीं, कोई भी दोस्त इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी लड़ाई, उससे लड़ाई होने से मैं सैड हो जाऊँ। वैसे भी मम्मा हमेशा कहते हैं
किसी को भी खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो वरना तुम्हें हर्ट करेंगे, इसलिए मैं किसी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो उसकी फ्रेंड्स कहती अच्छा हमें भी नहीं। तो अभी रसने लग जाती कहती चाय पियो ठंडी हो रही है। तो उसके बाद ये फ्रेंड्स सब मिलकर चाय पीते हैं, बाय लैग खाते हैं और ऊपर चल जाते हैं। ऊपर जाने के बाद फिर से सब पढ़ने लग जाते हैं और अबीरा की जिस फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी उसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसे बहुत पेन हो रहा होता है। तो अबीरा उसे ब्लैंकेट देती है कहती तू बस करते तो थोड़ी देर लेट जाके थी नहीं सुबह पेपर और ऐसे लगता है कुछ नहीं आता। तो अबीरा उसे समझाती है कहती तू जितना पढ़ेगी ना उतना ज़्यादा तेरा दिमाग खाली होता रहेगा, पढ़ते जाओगे तो भूलते जाओगे, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते तबीयत नहीं ठीक ना तो सो जा हम इधर तेरे पास। तो ऐसे बोल के उसे सुला देती है। जब वो सो जाती है तो अबीरा रूम की लाइट्स भी ऑफ कर देती है क्योंकि शाम के सात आठ बजे का टाइम हो गया था। तो अबीरा अपनी दोस्त को कहती है कि हम ना बाहर जाके पढ़ लेते हैं इसे डिस्टर्ब नहीं करते। तो उसकी बेस्टी कहती चलो ठीक है। तो ये लोग बाहर आते हैं और बाहर आके पढ़ने लगते हैं और अबीरा के यहाँ पे कोई रूम से चार्जर चाहिए था इसलिए वो रूम में जाती है, देखती है कि कोई सो रहा है। तो उसे लगता है शायद अबीरा सो रही है क्योंकि अबीरा रात भर नहीं सोई थी। तो अबीरा के यहाँ पे उसके पास जाती है, उसे हक करके लेट जाती है कहती पागल कितनी दफ़ा बोला है सोया कर क्यों उतनी टेंशन लेती है यार। तो अबीरा के यहाँ पे भी उसे हक करके उधर ही सो जाती है। और जब अबीरा की फ्रेंड की आँख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि किसने उसे हक कर रखा है। वो जैसे फिर से ब्लैंकेट हटाती है तो देखती है कि अबीरा के यहाँ पे है तो एकदम डर जाती है, वो थोड़ा पीछे होने लगती है लेकिन आप ही ने जोर से हक किया होता है तो बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ पुश करती है तो आप ही उठ जाती है। जब वो देखती है कि अबीरा की फ्रेंड थी तो चिल्लाता कहती आह तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती मैं तो इधर ही सो रही थी पर आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहती सॉरी मुझे लगा शायद अबीरा सो रही है बट आज फिर सो ही नहीं थी ना मुझे लगा कि उसे नींद आ गई। तो कहती क्या अबीरा रात भर नहीं सोई। उसके आप ही कहती हाँ इसलिए तो बोला था उसका ख्याल रखो वो कुछ डिस्टर्ब है, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। तो कहती नहीं हमने पूछा बट उसने कुछ नहीं बताया। अबीरा के आप ही कहती पता नहीं क्या हो गया इसे, पहले तो ऐसी नहीं थी हर टाइम हंसती रहती थी मुस्कुराती रहती थी, आजकल बहुत चेंज हो गई है इसकी लाइफ में कोई है क्या। तो अबीरा की फ्रेंड एकदम शॉक हो जाती है कहती आप ही ये आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो। तो कहती सच बोलो क्या इसकी लाइफ में कोई है। तो कहती नहीं कोई भी नहीं है, आई मीन क्लास में तो कोई भी नहीं, कोई लड़का है ही नहीं इस लाइक जो उसको दोस्त बने। तो उसके आप कहती पक्का। तो कहती हाँ हाँ पक्का कोई नहीं है। तो अबीरा क्या भी कहती ओके झूठ तो नहीं बोल रही ना। वो कहती सच में झूठ नहीं बोल रही कोई नहीं है, या शायद मेरे आंखों के सामने तो अभी तक ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसे अबीरा पसंद करेगी, कोई भी नहीं है आप ज़्यादा सोच रहे हो। और जहाँ तक बात ऑनलाइन की वो तो इंस्टा यूज़ ही नहीं करती और फ्रेंडशिप तो आजकल ऑनलाइन सिर्फ इंस्टा पे ही चल रही है। उसके आप कहती चलो ठीक है फिर भी उस पर नज़र रखना। तो कहती क्या आप मुझे मेरी दोस्त पर नज़र रखने को बोल रहे हो। कहती नहीं मतलब थोड़ा उस पर ध्यान देना वो आजकल कुछ डिस्टर्ब है बस इसलिए। तो कहती तो अबीरा क्या आप ही उठ के वहाँ से चली जाती है। वो उठती है और कहती है कि और क्या है मुझे नज़र भी रखनी होगी। तो ऐसे बोल के गहरी सांस लेती है। तो अबीरा क्या आप ही नीचे जाती है, देखती है कि अबीरा और उसकी फ्रेंड उधर बैठ के पढ़ रही है। तो वो कहती है कि यार तुम लोग को घर नहीं जाना। अबीरा की फ्रेंड कहती है जाना तो है अभी पापा की कॉल आई थी मैंने बोला थोड़ी देर हमें रुकने दे कल पेपर है ना इसीलिए। तो कहती चलो ठीक है वो तुम्हारी फ्रेंड भी उठ गई। अबीरा कहती उठ गई वो। तो उसके आप ही कहती हाँ। तो ये लोग ऊपर ही चले जाते हैं तीनों बैठ के थोड़ा और स्टडी करते हैं और देखते देखते रात के 10 बज जाते हैं। तो उसकी फ्रेंड्स को भी लेने आ जाते हैं वो घर चले जाती है। अबीरा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, वो लेट जाती है उसके आप ही उसके पास आती है उसके सर पर हाथ फेरती है कहती बच्चा सो जाना रात भर नहीं सोई तू। अबीरा कहती कैसे सो जाऊँ नींद ने तो शायद मुझसे दुश्मनी मोल ले ली मेरे पास आने का नाम ही नहीं ले रही। तो उसके आप ही कहती तुझे हो क्या गया है पहले तो बहुत आराम से सो जाती थी आजकल तुझे सोने में इतनी डिस्टर्बेंस क्यों होती है। अबीरा कहती मुझे नहीं पता बस नींद नहीं आती। तो उसके आप ही उसके पास बैठती है हाथ पकड़ती है कहती है कि बड़ी बहन हूँ पूछना ही पड़ेगा देखो दूसरे से तुम्हारी इंक्वायरी करने से अच्छा मैं खुद तुमसे डायरेक्ट बात करूँ। अबीरा कहती क्या मतलब। तो उसके आप ही कहती देख बच्चा इतनी सी उम्र में एज ना आना ये ठीक नहीं है क्या तो किसी के प्यार में है। तो अबीरा एकदम से शॉक हो जाती है और धीरे धीरे में कहती आप ही को कैसे पता चला मैंने तो कुछ नहीं बताया कि उन्होंने मेरे मोबाइल में कुछ देखा। तो अबीरा कहती आप ही आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो उसके आप ही कहती देख तुम्हारा बिहेवियर आजकल बहुत चेंज हो रहा है और तुम्हें पता है ना मैं हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगी लेकिन कुछ गलत करने में बिल्कुल नहीं। अगर कुछ है कोई लड़का पसंद है तो एक मुझे बता दे मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करूँगी और आई प्रॉमिस अगर वो तेरे लिए अच्छा होगा ना तो मैं खुद तेरी और उसकी रिश्ते के घर में बात चलाऊँगी। आई प्रॉमिस मैं तेरा पूरा पूरा साथ दूँगी प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपा। तो अबीरा कहती क्या बताऊँ इन्हें लड़का नहीं लड़की से प्यार करती हूँ अगर ये बता दिया ना अभी तो मैं जान ले लेंगी। तो उसके आप ही कहती क्या हुआ बोलना कुछ। तो अबीरा कहती आप ही ऐसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आई मीन ऐसा सच में नहीं है। उसके आप ही कहती फिर क्या बात है क्यों इतनी परेशान रहती है क्यों तुझे नींद नहीं आती किस बात की टेंशन है।
और मोबाइल भी बहुत यूज़ करती है, जबकि तेरे मोबाइल में कुछ है भी नहीं ना, तो किससे बात करती है? मैंने तेरा व्हाट्सएप देखा था आज, 3 वीक पहले वाले मैसेजेस में अनसीन पड़े हैं, तो तू बात किससे करती है फिर मोबाइल में जो इतना घुसी रहती है? अमीरा कहती है मैं किसी से बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ म्यूज़िक सुनती हूँ खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए, एग्जाम है ना बस थोड़ी उन्हीं की टेंशन है और कोई बात नहीं। तो उसके आप ही कहती देख टेंशन ना मेरी जैसे स्टूडेंट्स को होना चाहिए जो मर मर के पास होते हैं, बट तू तो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है यार, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, हमेशा अच्छे नंबर लेती है, इस बार भी अच्छे लेगी और कितना पढ़ाई भी कर रही है, फिर किस बात की टेंशन? देख टेंशन लेगी ना जो पढ़ा होगा वो भी भूल जाएगा, तो रिलैक्स हो किसी पढ़ाई पर ध्यान दे, इतनी टेंशन मत ले, टाइम पर सो, टाइम पर उठ, टाइम पर पढ़, टाइम पर खा पी और रिलैक्स कर, ओके? अभी रह गई थी बस एक बार एग्जाम ख़त्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उसके आप ही कहती गुड, और हाँ फिर से बोल रही हूँ अगर कभी भी कोई लड़का पसंद आने लगे ना पहले उसके बारे में मुझे बताना, अगर वो लड़का तेरे लिए ठीक होगा ना आई प्रोमिस मैं तुझे उससे खुद उससे मिलवाऊँगी, उसके करीब लेके जाऊँगी, घर में भी रिश्ते की बात करूँगी आई प्रोमिस, लेकिन बगैर मुझे बताया तो कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी, वादा कर मुझसे। अभी रख थी आप ही प्लीज़, तो उसके आप कहती प्रॉमिस करना। अभी रख दी ठीक है जब भी कोई लड़का पसंद आने लगेगा पहले आपको बताऊँगी। तो उसके आप ही कहती गुड गर्ल, तो अबीरा को हक कर लेती है। अबीरा दिन में कहती हम सॉरी आप ही, मैंने आपको नहीं बताया कि मैं किसे प्यार करती हूँ, बट आपने तो लड़के का प्रॉमिस नहीं आना, एंड आई प्रॉमिस मुझे कभी कोई लड़का पसंद नहीं आएगा। तो अबीरा ऐसे बोल के अपने आप को हक करके बैठी होती है। उसके बाद उसके आप ही कहती मैं सुला दूँ, अभी रख दी रहने दो, 3 घंटे मेहनत करोगे 5 मिनट की नींद आएगी, तो रहने दो। उसके आप ही कहती क्यों नहीं आती तुझे? तो अबीरा ऐसे अपने आप ही से बात कर रही होती है, तभी उसकी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ती है। वो कहती है कि आप ही मैं अभी आती हूँ। तो अबीरा से बोल के मोबाइल उठा दिया और कह दिया कि एक बार चेक कर लो, हो सकता है नोकी कोई कोई मैसेज आया होगा, उम्मीद तो नहीं है पर फिर भी चेक करने में क्या जाता है। तो ऐसे बोल के मैसेंजर फ़ोन करती है, फ़ौरन आके बंद कर देती है, कहती प्लीज़ अल्लाह जी उसका मैसेज आया होगा मेरा दिल टूट जाएगा प्लीज़। तो ऐसे बोल के हल्की सी आँख खोल के देखती है अनोखी कितने सारे मैसेजेस और मिस कॉल्स आई हुई होती हैं। फिर कहती हूँ माई गॉड क्या ये सच है, मैं सपना देख रही हूँ, वो सच में मुझे कॉल्स कर रही थी। तो फिर उसकी वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें अनोखी रो रही होती, कहती है आई एम सॉरी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था यार, मैं बस चाहती थी कि आप पहले से कॉल करो, पता सारा टाइम मोबाइल मेरे हाथ में था, एक सेकेंड के लिए मैंने मोबाइल नहीं रखा, मुझे पता था आप कॉल करोगी, एंड आई एम सॉरी कि मैं पहले खुद से कॉल नहीं किया, प्लीज़ आई एम सॉरी आपको सोना है ना प्लीज़ कॉल करिए उठा लो, साथ में सोते हैं ना मुझे भी सोना है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस और मिस कॉल्स होते हैं। अबीरा अभी वो मैसेज पढ़ी रही होती है तभी अनोखी के एक और वॉइस मैसेज आ जाते हैं, तो अबीरा उसे प्ले करती है। उसमें अनोखी कहती है देखो मैं गुस्सा हो रही हूँ, ठीक है नहीं बात करने ना मैं जा रही हूँ, इस पर मैं पलट के भी नहीं मुड़ूंगी, देखना चाहे मरते मर क्यों ना जाऊँ। तो अनोखी ऐसे बोल के बाय बोल देते, अबीरा कहती क्या बाय क्यों? तो अबीरा फ़ौरन से मैसेज कहते रुको रुको वेट 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 जहाँ 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 मेरी कसम कहीं मत जाना पा चुनो। तो अनोखी जब ये मैसेज पढ़ती है तो वो रुक जाती है और अबीरा तुरंत कॉल कर देती है। जैसे ही कॉल करती है अनोखी उठाती है लेकिन कुछ बोल नहीं रही होती, म्यूट कर देती है। अबीरा अपनी आपे की तरफ देखती है, कहती है आपे आप सो जाओ मैं थोड़े टहल के आती हूँ। इसके आपे कहती मैं भी आती हूँ। अबीरा बोलती है अरे आप सो जाओ ना सब ठीक है मैं आती हूँ। तो अबीरा ऐसे बोल के बाहर जाती है, गार्डन में जाती है और कहती है कि जान अनम्यूट करो। तो अनोखी अनम्यूट नहीं कर रही होती, अभी रखती है अनम्यूट करो ना। तो अनोखी कहती क्या है नहीं करना, तो ऐसे मैसेज कर देती है, अभी रखती है मेरी कसम अनम्यूट करो। तो अबीरा अपनी कसम दे देती है तो अनोखी अनम्यूट कर देती है। जैसे वो अनम्यूट करती है तो अबीरा कहती है आई एम सॉरी मुझे लगा आप मुझे खुद से मैसेज कॉलिंग करोगी इसलिए मैंने मैसेंजर ऑन ही नहीं किया, और अगर मैं ऑन करती चेक करने के लिए और आपको कोई मैसेज कॉल ना आता तो मेरा दिल टूट जाता, मैं बहुत सैड हो जाती और पढ़ाई भी नहीं होती, आपको पता सारा टाइम मैं आपके बारे में सोच रही थी, थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोई, पता आप ही ने मुझ पर 3 घंटे लगाए मुझे सुलाने के लिए और सिर्फ 5 मिनट में सोई और फिर उठ गई, पता नहीं आपके साथ मेरी क्या अटैचमेंट है, आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती मुझे सुकून नहीं आता, जब आपसे बात करती हूँ तो मेरे मन को चैन आता है, मुझे एक अलग से सुकून सा मिलता है, एक खुशी से मिलती है जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, पता आपकी बात ने मुझे बहुत हर्ट किया, मुझे पता क्या लग रहा था कि शायद मैं ही डफर हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है यार, मैं एटीट्यूड वाले लोगों के आसपास से नहीं गुजरती, पता है मुझे एटीट्यूड वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही मैंने कभी किसी को एटीट्यूड दिखाया है और आप मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी, अनोखी बोलती मैंने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया ओके। अभी बोलती तो क्या था ये हाँ कि मैं खुद से कॉल नहीं करूँगी ये वो, इसे क्या बोलते हैं एटीट्यूड ही तो बोलते हैं यार, प्यार में ना बालचिया भी झुक जाते हैं, वो प्यार ही क्या जिसमें इंसान को झुकना ना पड़े।
अरे प्यार में लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, और आपको तो सिर्फ अपना एटीट्यूड सेक्रीफाइस करना है। उनकी बताओ हेलो, बोला ना मैंने आपको कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया, आपको पता भी नहीं है मेरे अंदर कितना एटीट्यूड है। होगी ना, मैं कभी किसी को फर्स्ट मैसेज नहीं करती, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के मैसेज पढ़े रहते हैं, मैं सीन तक नहीं करती। अमीरा कहती है बोलती है किसी एटीट्यूड नहीं, लापरवाह बोलते हैं। आप तो अपना एटीट्यूड दिखा देती हो और खुश हो जाती हो, लो मैंने एटीट्यूड दिखा दिया। अगले इंसान का सोचा है, बड़ी फ़ख्र से बोल रहे हो ना बेस्ट फ्रेंड्स के को टाइम पे मैसेज नहीं करती, मैसेज सीन करके छोड़ देती हूँ। आपको पता है वो भी आपको छोड़ सकते हैं, आपको मैसेज करना छोड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जब किसी को इग्नोर करते हैं ना कितना हर्ट होता है, क्योंकि वो बार बार आपके हाथों इग्नोर हूँ मैं, और मैं भी हुई हूँ। मुझे पता है जब किसी को हर्ट करते हैं ना उसे बहुत हर्ट होता है, इसलिए मैं कभी किसी को इग्नोर नहीं करती ताकि उसे हर्ट ना हो। लेकिन आप ये चीज़ करते हो और फ़ख्र से बोलते हो कि हाँ मैंने की। क्यों? आप अपने एटीट्यूड में होते हो और फिर बोलते मैंने एटीट्यूड ही नहीं दिखाया। नौकी बोती देखो बोर ही होना, एटीट्यूड मत बोला, एटीट्यूड नहीं था वो। मेरे बोती फिर क्या था यार? पता है काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है मैं आपको इग्नोर कर सकती थी, मुझे इतना गुस्सा था कि मैं कभी मैसेज नहीं करूँगी, कॉल नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी खुद से कॉल की मैंने। लेकिन आपकी उस बात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। पता है आपकी उस बात ने ना मेरा दिल ना एकदम छल्ली कर दिया था। आपको आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप अपनी बातों से लोगों को हर्ट कर जाते हो यार। नकी बोती ठीक है, आई एम सॉरी, इतनी बड़ी कोई मैंने गलती नहीं की जितना तुम मुझे सुना रही हो। मेरे बोती यार राइट सॉरी, आपके एक सॉरी से ना मेरे सीने पर जो जख्म लगे हैं ना वो ठीक नहीं हो सकते, जितना मुझे दर्द हुआ है वो ठीक हो सकता है, जितने मेरे आंसू भए हैं क्या वो ठीक कर सकते हो? तो नकी बोती ठीक है, आई एम सॉरी, आई नो मैंने आपको बहुत हर्ट किया होगा और वो चीज़ मैं ठीक नहीं कर सकती, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। अमीरा बोलती है कि शायद आप भूल गई, हम दोनों गर्ल्स हैं, हम दोनों की फीलिंग सेम होती है, मुझे पता है मिस आप भी मुझे कर रही होगी, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं आपको कॉल करूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे करो। मैं फिर भी झुक गई प्यार के आगे, मैंने फर्स्ट कॉल करी, लेकिन आप प्यार के आगे नहीं झुकी। प्यार पता क्या होता है? जो ना एटीट्यूड ईगो हर एक चीज़ साइड पर रखवा दे, वो होता है प्यार। जब आप अपने के अलावा दूसरों की सोचने लगो ना कि यार छोड़ो एटीट्यूड क्या है, बस ख़त्म करो बात को, उसे हर्ट हो रहा होगा, वो होता है प्यार। और वो मैं करती हूँ, जब भी लड़ाई होती है मैं फर्स्ट पहल क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं हर्ट हो रही हूँ तो उनकी भी तो हर्ट हो रही होगी ना, लेकिन आप ये नहीं सोचती। पता है अभी भी मैं पहल करती थी, मैसेंजर खोल के कॉल करती थी, लेकिन मुझे बहुत हर्ट होता अगर आपका कोई मैसेज या कॉल ना हो तो, बस इसी डर की वजह से, ये मेरी उम्मीद ना टूट जाए कि शायद उसने मैसेज किया होगा, इस डर की वजह से मैंने नहीं खोला, बस इसलिए नहीं खोला ना। कि बोती ठीक है आई एम सॉरी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो यार, ओके आई एम सॉरी, गलती होगी, प्लीज़ माफ़ कर दो, रोना बंद करो, सुबह एग्जाम है ना, चलो सोने चलते हैं। मेरी बोती बाहर में गया एग्जाम, नहीं सोना मुझे। उनकी बताइए ठीक है आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, चलो 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 सोने चलो। मेरी बोती नहीं सोना, उनकी बोती अच्छा ना प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मेरी कसम शांत हो जाओ, आई एम सॉरी, देखो सुबह पेपर है ना, जल्दी से सोना है, सुबह जल्दी उठना है ना। मेरी बोती नहीं देना पेपर मुझे, उनकी बोती चुप, इतनी तैयारी किया पेपर नहीं देना, चलो सोने चलो। तो नौकी अबीरा को मनाती है, उसे सुलाने ले जाती है, अबीरा आँखें बंद करती है और उनकी माइक बिल्कुल मुँह के पास रखती है और गहरी सांस लेती है। जैसे अबीरा उसकी वो सांसें सुनती है उसे वो सुकून मिल जाता है, और जैसे उसे सुकून मिलता है उसकी नींद आ जाती है। जैसे अबीरा सो जाती है नौकी उससे बहुत सारी बातें करती है, कहती है आई एम सॉरी, अब बहुत छोटी हो लेकिन बहुत समझदार हो यार, क्या बात करती हो, अच्छे अच्छे का पत्थर का दिल भी मेल्ट हो जाए, हम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, देखो कैसे मासूम बच्चे की तरह सो रही हो, आई लव यू सो मच, बस ऐसे सुकून से सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो, सुबह अच्छे से एग्जाम देना, ओके आई लव यू सो मच, गुड नाइट लव। तो नौकी भी ऐसे सो जाती है, सो फाइनली इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। यार अगर आप भी ऐसे एटीट्यूड में रहते हो, आप कहते हो कि आपका पार्टनर पहल करे और वो कहता है आप पहल करो, तो हमेशा लड़ाई बढ़ती रहेगी, लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो अपने ईगो को एटीट्यूड को साइड पर रखो और हमेशा पहले खुद पहल कर दो। यार फर्स्ट टाइम मैसेज करने में कोई बुराई नहीं है। तो आज की एडवाइस बस इतनी थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, और दिन टाटा बाय बाय, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, टाटा।